अतिथि देवो भव हमारी सांस्कृतिक विरासत है। भारत में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भी मानती है, तभी तो विदेशी इंडिया को ही अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन चुनते आए हैं। तमाम बड़े देशों ने एडवाइजरी जारी करके चेतावनी दी है कि भारत यात्रा करने पर रिस्क है, लेकिन फिर भी पर्यटकों का भारत पर भरोसा बरकरार है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जून 2016 में ही अलग अलग देशों से करीब 5.5 लाख पर्यटक भारत आए। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने अपने अपने देश के पर्यटकों को चेतावनी दी है। चेतावनी दी है कि भारत की यात्रा पर रिस्क है, खतरा है। इन देशों ने दलील दी है कि भारत में कई जगहों पर अशांति का माहौल है। इन देशों में जारी एडवाइजरी में खास तौर पर उत्तर भारत को पर्यटकों के लिए खतरनाक बताया गया है। कहा है कि वहां पर्यटन के लिहाज से हालात ठीक नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान लोगों को भारत आने का न्योता दिया है। भारत में जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कह सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल, खुश। प्रधानमंत्री के निमंत्रण से पर्यटकों के भारत आने की बात को पर्यटन मंत्री भी मानते हैं। देखिए, विश्व पटल पर भारत की पहचान, भारत की सहिष्णुता, इन सब विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के बाद जितना अधिक विश्व के लोगों में भारत के प्रति जिज्ञासा हुई है, विश्व के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, मुझे एज ए पर्यटन मंत्री होने के नाते, संस्कृति मंत्री होने के नाते खुशी है ये बताते हुए कि जहां पूरे विश्व में पर्यटन की प्रगति 4.5% के आसपास है, हम लोग 9.6% की प्रगति को मेंटेन किए हुए हैं। तमाम बड़े देशों की एडवाइजरी के बावजूद पर्यटन के लिहाज से शुभ समाचार है। पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए जो आपको यकीन और सुकून देने वाले हैं। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2016 में अलग अलग देशों से करीब 5.50 लाख पर्यटक भारत आए। जून 2015 में 5.12 लाख, जबकि जून 2014 में यह आंकड़ा 5.02 लाख था। पर्यटकों के भारत आने का आंकड़ा जनवरी से जून 2016 तक 41.86 लाख था। 2015 में जनवरी से जून तक 38.45 लाख पर्यटक भारत आए। साल दर साल पर्यटकों की संख्या देश में बढ़ रही है, क्योंकि अतिथियों को देश प्यारा लगने लगा है। Do you feel safe in India? Oh, quite feel, yeah, it's nice. Yeah, I wanted to come for a long time because of the culture. I come in India. I think India is safe. Do you feel secure in India? Most of the time, yes, especially in New Delhi. We've been going out of a night time and we feel safe. Yes, we have felt very safe. Traveling around the last few days? Yes, I feel very safe, and we've been traveling around the country for around 15 days and everything has been wonderful. और अब वो शुभ समाचार जो समाज के हर वर्ग के लिए खुशखबरी है, पर्यटकों की आमद से देश की आमदनी की बात। जून 2016 में पर्यटन से देश की कमाई 10,732 करोड़ रुपए हुई। जून 2015 में 9,564 करोड़ रुपए और जून 2014 में 8,366 करोड़ रुपए का राजस्व पर्यटन से देश को मिला। पर्यटन से देश को होने वाली आमदनी का जनवरी से जून के आंकड़ों पर गौर कीजिए। जनवरी से जून 2016 तक देश को 73,065 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इन्हीं महीनों के दौरान 2015 में 64,035 करोड़ रुपए और 2014 में करीब 52,000 करोड़ रुपए देश ने पर्यटन से कमाए। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स ने हमें 65 से 52 स्थान पर लाए हैं, 13 स्थानों का जंप। 1,35,000 करोड़ की मुद्रा हम लोगों ने पिछले वर्ष जारी कर दी, उसमें करीबन 10% की वृद्धि के साथ हम विदेशी मुद्रा अर्जन करेंगे पर्यटन की दृष्टि से। और मैं समझता हूं कि लोगों का विश्वास, विश्व में विभिन्न तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का भारत में जो विश्वास जागा है, भारत की सरकार में जो विश्वास जागा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। देशी विदेशी पर्यटकों की भारत में पहली पसंद आगरा का ताजमहल है। मौसम कोई भी हो, ताजमहल के आसपास देशी विदेशी पर्यटकों का सैलाब दिखाई देता है। विदेशी सैलानियों की दूसरी सबसे पसंदीदा जगह कश्मीर है। जून 2016 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की आमद कम हुई है। दुनिया के बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर नहीं जाने की सलाह दी है।
देश के पर्यटन मंत्री महेश शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की सबसे ज्यादा आमद होती है। देश में आने वाले पर्यटक सबसे ज्यादा दिल्ली पहुंचते हैं। जून में आने वाले 5.50 लाख पर्यटकों में करीब 1.35 लाख पर्यटक दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं। मुंबई में करीब 90,000 पर्यटक, चेन्नई में 55,000, बेंगलुरु में करीब 40,000, हैदराबाद और कोलकाता एयरपोर्ट में करीब 30,000 पर्यटक उतरकर अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। जून 2016 में पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की आमद महज 1% से भी कम रही है। हमने सजेशन दिया गवर्नमेंट को, और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। मुझे तो उम्मीद है कि अगर ये ई वीजा को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले 2 साल में कम से कम 100% इंक्रीज होगी। देश में पर्यटकों की आमद से हर तरफ से फायदा ही फायदा है। देश के खजाने में इजाफा हो रहा है, पर्यटन से जुड़े लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। अब जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों और पर्यटन के लिहाज से एक बार फिर श्रीनगर की डल लेक में संगीत गूंजे। रूपी जैदी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा, अपने देश से मिली चेतावनियों का भी विदेशी टूरिस्ट पर कोई असर नहीं हुआ। विदेशी बेखौफ होकर भारत में छुट्टी मनाने आए। अब आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं कि सिर्फ जून 2016 में ही दुनिया के कौन कौन से देशों से औसतन कितने विदेशियों ने भारत को अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाया। अमेरिका के सबसे ज्यादा लोग भारत में वेकेशन के लिए आए। देश में 11,02,500 लोगों ने छुट्टी मनाई। दूसरे नंबर पर रहा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। यहां से करीब 1,02,400 पर्यटक आए। वहीं यूके के करीब 35,000 लोग पहुंचे। मलेशिया से 20,400 लोगों ने भारत को हॉलिडे के लिए चुना। श्रीलंका के 15,500 भारत घूमने आए और ऑस्ट्रेलिया से भी जो टूरिस्ट भारत पहुंचे उनकी संख्या लगभग 15,000 रही। चीन के भी करीब 15,000 लोगों ने भारत में हॉलिडे मनाया। कनाडा से भी करीब 15,000 विदेशी आए। और अगर हम आंकड़ा आपको बताएं जापान का, तो ये आंकड़ा है 10,000। वहीं फ्रांस से 12,000, जर्मनी से 11,500, नेपाल के 11,000 और पाकिस्तान से भी करीब 7,000 लोग यहां भारत में घूमने आए। वहीं दक्षिण कोरिया के 6,800 पर्यटकों ने इंडिया में आकर छुट्टी मनाई। चलिए इसी शुभ समाचार के साथ यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपके लिए अभी है और भी शुभ समाचार है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।